शनिवार से दिल्ली में पहला टॉय फेयर शुरू हो चुका है। देश को आत्मनिर्भर बनाने और चीन से खिलौनों का आयात रोकने की तरफ ये पहला कदम है। इसके लिए वोकल फॉर लोकल के तहत पीएम मोदी ने पारंपरिक खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लकड़ी के खिलौनों को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मुहैया कराने पर जोर दिया है। अनेक सुझावों के आधार पर हमने बड़े इन्वेस्टर्स को कदम कदम पर मदद करने के लिए एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का सिस्टम भी बनाया है। साथियों, बीते वर्षों में हमारी सरकार ने भारत को बिजनेस के लिए एक अहम डेस्टिनेशन बनाने के लिए निरंतर रिफॉर्म्स किए हैं। आज भारत वन मार्केट वन टैक्स सिस्टम से युक्त है। आज भारत में कंपनियों के लिए एंट्री और एग्जिट के लिए बेहतरीन माध्यम उपलब्ध है। दरअसल पारंपरिक खिलौना उद्योग आत्मनिर्भर होने से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और चीन के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। देश के खिलौना बाजार का आकार फिलहाल 125 अरब रुपए का है। एक अनुमान के मुताबिक 2024 तक भारत का खिलौना उद्योग 147 से 221 अरब रुपए तक का हो जाएगा। दुनिया भर में जहां खिलौनों की मांग में हर साल करीब 5% का इजाफा हो रहा है, वहीं भारत में मांग 10 से 15% की दर से बढ़ रही है। फिलहाल देश में 88 अरब से ज्यादा के खिलौनों का आयात होता है। कुल आयात में चीन की 85%, 15% मलेशिया, जर्मनी, हांगकांग और अमेरिका जैसे देशों की हिस्सेदारी है। यानी पहले तो भारत के घरेलू बाजार में ही चीन की हिस्सेदारी घटाने की जरूरत है। जानकारों का ये भी मानना है कि पारंपरिक खिलौनों को बढ़ावा देकर इस मुकाम को हासिल किया जा सकता है। आने वाले समय में यह फेयर काफी बड़ा हो सकता है। अभी 25 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और उम्मीद है कि करीब 3 करोड़ से ज्यादा लोग इस फेयर में आएंगे। यह चीन के बाजार को बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा दे सकता है आने वाले टाइम में। इसमें नवीनता की जरूरत है, तो जैसा मोदी जी का सपना है कि इसके अंदर इनोवेटिव आइडियाज आए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण डालें और न केवल इससे शिक्षा मिले वरन यह रोजगार भी उपलब्ध कराए और देश विदेश में भारत के खिलौनों की धूम मचे। अभी तो घरेलू बाजार में ही वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देकर चीन की हिस्सेदारी इस बाजार में घटाने की है, लेकिन असली चुनौती वैश्विक बाजार में चीन के दबदबे को खत्म करके इस कारोबार में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर आत्मनिर्भर बनाने की है। दुनिया भर में खिलौनों का कारोबार 7 लाख करोड़ रुपए का है। इसमें चीन की हिस्सेदारी करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए यानी 20% है। वहीं भारत की खिलौनों के ग्लोबल ट्रेड में महज 0.5% हिस्सेदारी है। जो भारत अब खिलौना उद्योग में खस्ता हाल नजर आता है, वो 1990 के आसपास ऐसा नहीं था। उस वक्त लकड़ी के खिलौने खूब बिकते थे, लेकिन इन महंगे खिलौनों के लिए चुनौती बनकर बाजार में आए सस्ते और हल्के खिलौने। लकड़ी और प्राकृतिक रंग की कीमतें बढ़ने से तो खिलौना निर्माताओं का काम ठप पड़ गया था। इस मजबूरी का फायदा उठाया आयातित खिलौनों ने, जिन्होंने 90% भारतीय बाजार पर कब्जा कर लिया। फिलहाल देश में खिलौना बनाने वाली करीब 4000 से ज्यादा यूनिट्स हैं। एमएसएमई के तहत आने वाली इन यूनिट्स में से 90% असंगठित हैं। भारत से महज 18 से 20 अरब रुपए के खिलौनों का निर्यात हो पाता है। भारत में जहां खिलौना निर्माता असंगठित हैं, वहीं खिलौने की क्वालिटी भी बड़ी चुनौती है। निर्माण में लागत ज्यादा होने की वजह से भारतीय खिलौने अपने ही बाजार में आयातित खिलौने से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि खिलौने की लागत कम करने की दिशा में कदम उठाए जाएं। जानकारों को उम्मीद है कि अब टॉय फेयर उन्हें इस मुकाबले में अलग ही जगह दिला सकता है। आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ये कदम मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, दूरदर्शिता की बात है कि चाइना का जो बिजनेस है पूरे विश्व में सबसे बड़ा खिलौनों का बिजनेस है। वो वहां पर मशीनों से प्लास्टिक के आइटम बनाते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगा करके पूरे विश्व में निर्यात करते हैं। लेकिन कोरोना काल में हुई घटना से विदेशी देशों का जो मोह है वो चाइना के प्रति कम हुआ है, तो भारत के लिए यह एक अपने आप में अपॉर्चुनिटी है। टॉय फेयर की इस पहल से लकड़ी का खिलौना बनाने वाले हजारों कारीगरों के पुराने दिन लौट आने की उम्मीद है, लेकिन इसके लिए इस उद्योग को संगठित करना होगा। केवल मशीनीकरण से काम नहीं चलेगा, बल्कि सस्ते कच्चे माल की सप्लाई और बाजार का भी इंतजाम करना होगा, तभी लकड़ी का खिलौना उद्योग चीनी खिलौनों को टक्कर देते हुए अपने बाजार में पांव जमा सकेगा।